Hi everyone, this is the GM Intro, Sushmita Tripathi and I welcome you all to the official YouTube channel of Hollywood. स्वागत है आप सभी का आज की सेशन में. So I hope मैं आप लोगों को मैं सुनाई दे रही होंगी, दिखाई दे रही होंगी. Everything is okay. And if everything is okay, then please let me know and give me a thumbs up, जिससे हम अपनी क्लास को शुरू कर सके. Okay? So is everything fine? Shall we start it? Okay, great. So finally, you can see me here on board and it is a great achievement, isn't it? Because we have been trying this for so long. कि यार अब तो बोर्ड पर आ जाए, अब तो बोर्ड पर आ जाए, but finally here we are today. थोड़ी सी हो सकता है मुझे technicality में error आए, कहीं कहीं हो सकता है, ठीक है, but I'll be trying my best कि ऐसा ना हो, because यार सब कुछ नया है तो अभी सीखने में थोड़ा थोड़ा time लग रहा है. And obviously the overall setup ये थोड़ा सा complicated process है. Okay? Anyway, so let us start the session for today. अपनी क्लास की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. एंड इफ एवरीथिंग इज ओके देन प्लीज गिव मी अ थम्स अप एंड वी विल स्टार्ट द सेशन देन. ओके, ये तो टीवी है. नहीं, ये टीवी नहीं है, ये तो बोर्ड है. ओके, सो फाइनली चलो तालियां बजाओ. बहुत दिनों से हमें इसका इंतजार था और फाइनली वो समय आ चुका है. शेयर वेयर भी कर दो जिससे बाकी लोग भी हमारे सेशन में हमें ज्वाइन कर सके. एनीवे, सो एज यू ऑल कैन सी हियर, दिस इज द फिट बैच. गुड मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. एनीवे, सो एज वी ऑल नो हियर इट इज द फिट बैच. ठीक है, और ये फिट बैच आप लोगों का लॉन्च किया गया है. ये किसके लिए लाया गया है? इसे लाया गया है स्पेसिफिकली ये आप लोगों का टारगेट बैच है और ये टारगेट बैच अभी आप लोगों के IDPI एग्जाम के लिए टारगेटेड है. ठीक है, तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है वो इसे ज्वाइन कर सकता है. यहाँ पे आप लोगों को 200 से ज्यादा वीडियो लेक्चर्स दिखेंगे, 25 से ज्यादा LPS और डाउट क्लियरिंग सेशन है, 350 से ज्यादा आपके टेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए. ठीक है, तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है आप इसे ज्वाइन कर सकते हो. ओके, ये आप लोगों की फैकल्टीज है. अच्छी बात यह है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है. यहाँ पे आप लोगों को करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस की अच्छी कवरेज दी जाएगी. नेक्स्ट यू कैन सी हियर, ये आप लोगों का फिट बैच है फॉर RRBPO. आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स द स्पेशलिटी ऑफ फिट बैच. अपार्ट फ्रॉम दैट यही आपका स्पेशलिटी वाला SBIPO का भी बैच है. जो भी इंटरेस्टेड है आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हो. यहाँ पे आप देख सकते हो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है हमारा. फैकल्टी, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, टॉपर्स तीनों ही आपको मिलेंगे और आपको गाइड करेंगे टाइम टू टाइम. देन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों का बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट ऑफिसर का एग्जाम के लिए आया हुआ है. ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड है आप में से आप लोग क्या कर सकते हो. हाँ, मैं कैमरा से बाहर जाऊंगी कभी कभी, ऐसा नहीं मैं कंप्लीटली इसके अंदर रहूंगी. एनीवे, आप में से जो भी इंटरेस्टेड है आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों को कोड कौन सा यूज करना होगा. कोड आपका होना चाहिए दिस वन. योर कोड शुड बी SUSHMITA सो दैट यू कैन अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन एनी अपकमिंग कोर्सेज. एनीवे, आई होप अब आप लोगों को चीजें काफी क्लियर हो गई होंगी और अब हम लोग बढ़ेंगे अपनी सेशन की तरफ. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. ठीक है, थोड़ा स्क्रीन एडजस्ट करनी पड़ेगी मैम. आई सपोज मैं भी अभी उस चीज को नोटिस कर रही हूँ कि हमें थोड़ी सी स्क्रीन सपोर्ट थोड़ी सी सही करनी होगी. विल बी डूइंग दैट आफ्टरवर्ड्स. ओके, अच्छा ये बताओ ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिकॉज सिंस वी आर कंडक्टिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सब कुछ क्लियर तो है बिल्कुल, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो प्रॉब्लम इंडीड, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है. चलो क्लास को अपनी शुरू करते हैं, बढ़ते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास की तरफ. So, सबसे पहले क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं. और जैसा आप सभी को पता है मोटिवेशन की जरूरत आज आप लोगों से ज्यादा मेरे लिए है, तो आप लोग मुझे भी मोटिवेट करो. देख सकते हो आप लोग, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग, है ना. तो अगर आप लोग गलतियां कर रहे हो वही एक सबसे बड़ा बताने का तरीका है कि एटलीस्ट आप लोग इसे ट्राई कर रहे हो. अगर आप लोग गलतियां ही नहीं कर रहे हो तो आप लोग कर क्या रहो. ओके, सो याद रखे रहिएगा कि अगर आप लोग गलतियां कर रहे हो ये नहीं सोचना है कि नहीं आई एम द वर्स्ट या मुझसे हर बार गलतियां होती हैं. हमें ये सोचना है कि वॉट एवर हैपेंस गलतियां कहीं ना कहीं ये प्रूफ है कि विल बी डूइंग इट द बेस्ट वे, इजंट इट. सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग. बिकॉज कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो ट्राई नहीं करते हैं, जो ये सोचते हैं कि मेरे बस का ही नहीं है, है ना. तो गलतियां करते चलो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलती ही कर रहा हो, गलती ही कर रहा हो, उसको सही ही नहीं कर रहा हो. गलती करो, एक समय तक करो भाई, उसके बाद सुधर जाओ, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है हम सभी के लिए. ओके, नाउ मूविंग टू द सेशन फॉर टुडे. सो सबसे पहले अपनी आज की खबर. मुझे अच्छा ये लग रहा है कि यार खबर वबर बताने में अब थोड़ी मजा आएगी, और अब हम लोग जियो पॉलिटिक्स जब करेंगे तो उसमें थोड़ी सी ज्यादा मजा आएगी, है ना. तो जैसे आप लोग अपनी सबसे पहली न्यूज देख सकते हो, अभी क्या हुआ है, अभी अपने वहां पर
डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक एमओयू साइन किया है, ठीक है, एक एमओयू इन्होंने साइन किया है किसके साथ में, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ में। किसके लिए किया गया है? अपने वहां पर एक अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स है, इसके लिए किया गया है, ठीक है। तो ये है क्या, ये अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स है। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी सरकार बहुत दिनों से ये ट्राई कर रही है कि जो हमारा डिफेंस पे एक्सपेंडिचर होता है इंपोर्ट पे, उसको किसी तरह से कम किया जाए। मैंने आपको कई बार एक बात बताई है कि जो अपने वहां पर ओवरऑल सेक्टर होता है डिफेंस का, है ना, जो हमारा पूरा बजट है, इसका अप्रोक्स 8% ऐसा होता है जो केवल और केवल कहाँ चला जाता है, डिफेंस पे चला जाता है, ठीक है। तो हमें अब ऐसा नहीं करना है, हमारा बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है डिफेंस पे। अगर आप लोग इस बार भी देखो तो बजट में अगर किसी मिनिस्ट्री को हाईएस्ट एलोकेशन किया गया है, बजट कोई सॉरी डिफेंस को किया गया है 5,30,000 का, इससे ज्यादा एलोकेशन किसी को नहीं। इनफैक्ट आप लोग कई सारी मिनिस्ट्रीज को अगर कंबाइन कर लेते हो तब शायद जाकर के आपको ये किसी का बजट मिले। डिफेंस मिनिस्ट्री को बहुत ज्यादा एलोकेट किया जाता है, रीजन यही है कि अपने वहां पे भी कुछ प्रोडक्शन हो सके। साथ ही साथ में आप लोगों ने ये भी न्यूज पढ़ी होगी कि पूरे विश्व में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया पूरे विश्व का सबसे बड़ा इंपोर्टर है डिफेंस वेपन्स का। अब देखो चलो ठीक है, बिगेस्ट इंपोर्टर आप हो तब एक बात समझ भी आ रही है, अगर आप लोग इसके साथ ही साथ में बिगेस्ट एक्सपोर्टर भी होते तब तो चलो ठीक है, लेकिन आप लोग बिगेस्ट इंपोर्टर हो वहीं एक्सपोर्ट में हम लोग 23rd पर हैं, तो दोनों का कोई मेल ही नहीं है यार। इंपोर्ट धड़ाधड़ कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा रीजन होता है कि हम लोग का करंट अकाउंट डेफिसिट में जाता रहता है। प्लस हम लोग कब तक डिपेंडेंसी रखे रहेंगे दूसरे देशों पे, जैसे रशिया, अभी रशिया के हम देख रहे हैं, ऑलरेडी रशिया इन्वॉल्व है बहुत ज्यादा इस समय यूक्रेन के साथ, तो हमारी जो डिपेंडेंसी है हम समझ रहे हैं कि अब इसे कम करनी होगी, और इसी को कम करने के लिए क्या किया जा रहा है, धीमे धीमे सरकार अब क्या कर रही है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बनाई गई है, आईडेक्स आया है, आईडीडीआई आया है, फिर आप लोग देखे होंगे नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट आने शुरू हो गई है, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन, एक वर्ड सबसे ज्यादा फोकस किया गया इंडिजिनाइजेशन, ठीक है। तो याद रखे रहिएगा आप लोग कि एक वर्ड है इंडिजिनाइजेशन जो कि सबसे ज्यादा फोकस्ड है, और इसको इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, इसको इतना फोकस इसलिए किया जा रहा है कि हम लोग जो दूसरे देशों से खरीद रहे हैं क्यों ना उसे हम लोग अपने वहां पर बनाना शुरू करें, ठीक है। इसी कह सकते हो आप लोग, इसी पहल में सरकार ने क्या किया है, कहा है कि हम लोग अब एक नया प्रोक्योरमेंट करेंगे, लगभग 2971 करोड़ का ये डील हुआ है। कितने का? 2971 करोड़ का डील हुआ है। इस डील में सरकार ने कहा है कि हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है ये इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए BDL द्वारा बनाई हुई अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज MK-1 मिसाइल्स लेंगी। खास बात क्या है MK-1 मिसाइल्स की बच्चों, कि जो MK-1 मिसाइल है ये आपका पहला, तो यहाँ आपने एक वर्ड देखा बियॉन्ड विजुअल रेंज, एक तो ये है, दूसरी खास बात है कि ये एयर टू एयर है। क्या है? एयर टू एयर। तो ये दो तीन बातें आप लोगों को याद रखनी होंगी कि एक ये बियॉन्ड विजुअल रेंज है, दूसरा है कि ये एयर टू एयर है। द थिंग इज बियॉन्ड विजुअल रेंज है तो इसका मतलब क्या है, कोई मुझे बता सकता है कि एग्जैक्टली बियॉन्ड विजुअल रेंज का क्या मतलब होता होगा, बताओ भी? नहीं बताओगे? सी बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब सीधा सीधा सा हम लोग कह सकते हैं जो विजुअल से बाहर है, अगर 37 किलोमीटर के बाहर होता है तो उसे हम लोग इन जनरल बियॉन्ड विजुअल रेंज कहते हैं, या 20 नॉटिकल माइल्स अपन लोग कहते हैं, ठीक है, तो वो अपना बियॉन्ड विजुअल रेंज होता है। तो ये जो है आपका बियॉन्ड विजुअल रेंज होगा, लेकिन एयर टू एयर है, यानी कि एयर में लगाए हुए ही हम लोग जो है, अगर एयर टू एयर है तो किसी एयर से चल रही ही ऐसी आप लोग कह सकते हो जो आपकी मिसाइल्स वगैरह होती हैं उससे, सॉरी जो भी आपकी एयरक्राफ्ट होती हैं उसी से इसको शूट किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एयर टू एयर। अब खास बात हम लोगों को यहाँ पे जो याद रखनी होगी वो ये रखनी होगी कि इसका रेंज कितना है, इसका रेंज है 110 किलोमीटर का। कितने का है? 110 किलोमीटर। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसके साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ठीक है भाई मैन्युफैक्चर आपका कर रहा है BDL, पर इसका डिजाइन और डेवलपमेंट ये दोनों किसने किया था, ये दोनों किया था आपकी DRDO ने। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2971 करोड़ की एक डील साइन की है, BDL के साथ में किया कि वो मैन्युफैक्चर करके इन्हें देंगे अस्त्र MK-1 मिसाइल्स को, और इसका डिजाइन डेवलपमेंट तो DRDO ने किया था, पर इवेंचुअली इसको मैन्युफैक्चर अभी करेगा BDL। अब यहाँ पे देखो काफी सारी बातें आप लोगों से लिखी होंगी, देख सकते हो आप, डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी अभी इसको साइन किया है, ठीक है, कॉस्ट आप देख रहे हो, अस्त्र MK-1 के बारे में बाकी चीजें लिखी हुई है। यहाँ पे आप लोगों को और क्या याद रखना चाहिए
कि इसके साथ में अब अस्त्रा एम के टू की भी बात हो रही है और थ्री की भी बात हो रही है। अस्त्रा एम के टू को लाया जाएगा तो उसमें क्या रेंज उसका क्या रिक्वायर्ड रेंज कहा जा रहा है 150 किलोमीटर तक होगा, और अगर थ्री भी आ जाता है तो उसका रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी होंगी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसका यूजेस जो है इंडियन आर्मी भी करेगा, इंडियन नेवी भी करेगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, एवरीथिंग ओके? शेयर भी कर दो यार, तुम लोगों की तादाद इतनी कम क्यों है? अब मतलब बोर्ड पर आ जाओ उसके बाद भी तादाद कम ही है, ऐसे कैसे चलेगा? और लाइक भी करते चलना भाई, लाइक नहीं करोगे तो ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। खैर चलो, अगर हम लोग थोड़ी सी रिलेटेड बातें कर लें तो एक तो आप लोग याद रखे रहिएगा कि कुछ दिन पहले जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने आईडेक्स प्राइम और डिस्क 6 दोनों का जो है अभी अभी उद्घाटन किया था। क्या आप लोगों को याद रखना होगा? स्क्रीन एडजस्ट कर लो, वन सेकेंड पीपल। देखो आज पहला दिन है यार, थोड़ी सी तो आज टेक्निकलिटी में थोड़ी थोड़ी एरर होगी, इतना तो चलता है इजंट इट? तो थोड़ा तुम लोग मान के चलो आज थोड़ा बहुत होगा, धीमे धीमे अपन लोग मान लेंगे कि हाँ एकदम ही सब परफेक्ट हो जाएगा। ओके चलो, खैर हाँ, तो मैं आपसे बात कर रही थी कुछ अभी हाल फिलहाल की जो किए गए हैं आपके वहां पर डेवलपमेंट्स, किसके अंदर? डिफेंस मिनिस्ट्रीज के अंदर या ओवरऑल इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। तो देखो भाई, अभी कुछ दिन पहले जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया था कि वो आईडेक्स प्राइम और डिस्क 6 लॉन्च करेंगे। ये बेसिकली क्या करेगा, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज होगा जो अपने वहां पर सपोर्ट करेगा स्टार्टअप्स वगैरह को डिफेंस के अंदर। ठीक है, तो जो अगर कोई स्टार्टअप चाहता है डिफेंस के अंदर कुछ मैन्युफैक्चर करना आईडेक्स प्राइम के अंदर, उन्हें 1.5 से 10 करोड़ तक दिया जाएगा। एक तो आप लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए, दूसरा क्या याद रखे रहो कि कुछ दिन पहले INS सूरत और उदयगिरी को लॉन्च किया गया था, जो कि दोनों ही वॉरशिप्स है। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ पर मुझे ऐसा लगता है काफी हेक्टिक चीजें हो रही है। देखो भाई, अगला क्या आप लोगों को याद रखना होगा कि कुछ दिन पहले अपने वहां पे INS सूरत और INS उदयगिरी को लॉन्च किया गया था। ये दोनों ही क्या है, ये दोनों आप लोगों की एक वॉरशिप्स हैं। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ा जाए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, एवरीथिंग ओके? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज फॉर टूडे, अगला देखते हैं। फिर से हम लोगों की डिफेंस रिलेटेड ही है, बट अगेन स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हो कि इंडियन नेवी ने अभी अभी फेयरवेल करा है INS निशांक और INS अक्षय को मुंबई में। तो ये बहुत लंबी कोई चीज नहीं है, ये आसान सी चीज है याद रखने वाली। बेसिकली आप लोगों को क्या याद रखना होगा कि अभी अभी हाल फिलहाल में जो इंडियन नेवी है उन्होंने डीकमीशन किया है किसे किसे, INS निशांक और INS अक्षय को। कहां से किया गया ये एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है, इसको किया गया है मुंबई से। ठीक है, तो यहां से आप लोगों के वहां पे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इसको कहां से किया गया, क्योंकि और भी कुछ शिप्स थी जिनको अभी क्या किया गया था, जिन्हें फेयरवेल किया गया था या डीकमीशन आप लोग कह सकते हो। सो रिमेंबर द नेम्स INS निशांक एंड INS अक्षय, बोथ ऑफ देम हैव बीन डीकमीशनड रिसेंटली, और इनका डीकमीशनिंग किया गया है नेवल डॉकयार्ड। 32 साल के बाद में इनको डीकमीशन किया गया है। इसके पहले भी मैंने आपको ऐसे रिलेटेड एक न्यूज पढ़ाई थी, अगर आप लोगों को याद हो। फिर आप लोग याद रखिएगा सभी लोग कि इनको कमीशन किया गया था एक फ्रीजिंग टेम्परेचर पे पोती शिपयार्ड, जो कि सोवियत यूनियन के वहां पर हुआ करता था, जॉर्जिया में है ये फिलहाल में। ठीक है, यहाँ पे इनको कमीशन किया गया था और इस वजह से इसकी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस हो जाती है, क्योंकि फिलहाल में हम सभी को पता है रशिया यूक्रेन की वजह से रशिया वाला पूरा पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनकी कमीशनिंग कहाँ की गई थी, यानी कि ये सर्विस में कहाँ से आए थे, ये की गए थे आप लोगों के पोती शिपयार्ड, जो कि सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, फिलहाल में ये आपका जॉर्जिया में है। ये जो शिप्स है इनको डीकमीशन किया गया है ट्रॉपिकल टेम्परेचर ऑफ मुंबई में, और कहां से, नेवल डॉकयार्ड से। ठीक है, देख लो भाई थोड़ी और बातें, कोई बहुत लंबी चीज हमें नहीं याद करनी है, बस आप लोग याद रखे रहिएगा कि इन दोनों को डीकमीशन कर दिया गया और कुछ नहीं किया, क्योंकि इस न्यूज पे हम लोग को बहुत नहीं देखना है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग देख सकते हो, हुआ क्या अभी अभी अपने वहां पर, आपके वहां जो ओके देखो, अब जैसे आप देख रहे हो अभी अभी इसराइल ने क्या किया है, इन्होंने एक फ्री ट्रेड डील साइन की है। किसके साथ में की है, UAE के साथ में की है। अभी अपने ही में बहुत बड़ी चीज है, क्यों अपने में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जब ये सब डील वगैरह साइन हो रही थी तो उधर अल अक्साद पे भी थोड़े मसले चल रहे थे। अल अक्साद कहा जाता है कि जो मुस्लिम साइन का तीसरा सबसे बड़ा होली प्लेस माना जाता है, तो उस टाइम अपने में वहां पे भी कुछ मसले चल रहे थे, लेकिन इवेंचुअली इस ट्रेड डील को साइन कर दिया गया। देखो अभी हो सकता है कि कुछ इसमें रिवोक भी कर लिया जाए, बट एज ऑफ नाउ इसे साइन किया गया है। ठीक है, हुआ क्या था कि ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं इनके इसराइल के साथ में ऐसे कोई खास रिलेशंस नहीं है। जैसे आप देखो यहाँ इसराइल आपको दिख रहा है और बगल में आपको इजिप्ट दिख रहा है,
इसराइल और इजिप्ट में कुछ मिलियंस के ही अपने डील होते हैं। सोचो आप लोग कि इनका बिल्कुल बॉर्डर करीब है, ठीक है, लेकिन अगर आप इनकी ट्रेड देखोगे तो जो इनका ट्रेड होता है ये कुछ मिलियंस का होता है, सम 100 मिलियंस, जो कि बहुत ही कम है, isn't it? तो कहीं ना कहीं हमें इससे आइडिया लग रहा है कि हाँ इनकी आपस में जो रिलेशन है वो कुछ खास नहीं है। लेकिन अगर हम यूएई को देखें तो यूएई का जो फिलहाल में सबसे बड़ा फोकस चलता आ रहा है वो क्या है, फिलहाल का इनका सबसे बड़ा फोकस है अपनी इकोनॉमी को बेटर करना। अभी ये पूरी यूएई अपनी इकोनॉमी की बेटरमेंट पे फोकस्ड है, जो कि बहुत अच्छी चीज भी है। कोई भी कंट्री बहुत ज्यादा इस पे फोकस करती है, अगर नहीं करेगी तो फिर वो चलेगी कैसे। हम लोग देख सकते हैं पाकिस्तान को, हम देख सकते हैं श्रीलंका को, इनका क्या हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनकी हालात बहुत खराब चल रहे हैं, श्रीलंका डूब चुकी है, पाकिस्तान भी उसका गार पे है, सब्सिडीज बंद कर चुकी है। तो अगर सारी कंट्रीज नहीं समझती हैं और वो हमेशा एक ही मसले को फोकस करती हैं, कुछ नहीं होने वाला है। तो इस चक्कर में अभी क्या हुआ है, दोनों ने ट्रेड डील साइन कर लिए। देखो जब डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने क्या कराया था, उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड साइन कराया था 2020 में इन्होंने एक अब्राहम अकॉर्ड साइन किया था। उसके बाद से यूएई ने इसराइल को एक अपना क्या माना, कंट्री रिकॉग्नाइज किया। अब कंट्री रिकॉग्नाइज किया यूएई ने, यूएई के बाद से बहरान और मोरक्को, पिछले साल इन दोनों ने भी कहा है कि हाँ हम भी अब इसराइल को एक कंट्री जो है रिकॉग्नाइज करते हैं। इंडीड ये इसराइल के लिए बहुत अच्छी चीज थी। अब जरा आप लोग यहाँ पे मैप पे देखो कहाँ यूएई है और कहाँ इसराइल है, कितनी दूरी है दोनों में, है ना। लेकिन फिर भी ये डील को साइन किया गया है। इससे फायदे क्या होंगे इन्हें, इससे इन्हें बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप लोग अभी देखोगे ना, अभी के दौरान इन लोगों के बीच की जो आपस की ट्रेड है वो हार्डली 1.2 बिलियन डॉलर की है। कितने की, 1.2 बिलियन डॉलर की हार्डली इनकी डील है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले फाइव ईयर्स में ये जो डील है ये 10 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में इसे 10 बिलियन डॉलर तक कर दिया जाएगा। फिर एक और बात आप लोग याद रखिएगा, अब होगा क्या, जब ये लोग डील साइन कर लेंगे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, तमाम ऐसी चीजें होंगी जिस पर के जो टैक्सेस वगैरह होंगे वो कम हो जाएंगे। जैसे ही टैक्सेस कम होंगे, आपस में जो एक दूसरे को हम लोग सामान ट्रेड कर रहे हैं उनके दाम इनके कंट्री में सस्ते हो जाएंगे। फिर ऐसा भी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये जो बहुत सारी इजरायली कंपनीज हैं ये स्विच करके यूएई में जाएंगी और यहाँ पर अपना जो है नया नया फैक्ट्री, अपनी नई कंपनीज खोलेंगी। पूरी डील जो साइन हुई है ये यूएई की दुबई में हुई है। कहाँ पर किया गया है, यूएई के दुबई में इसको साइन किया गया है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल में हम लोग इतनी बातें याद रखे रहे। अपार्ट फ्रॉम दिस रिमेंबर वन मोर थिंग पीपल, कि यूएई हमारे देश के साथ में भी कुछ दिन पहले क्या किया था, सेपा डील साइन किया था, ठीक है, सेपा डील साइन किया था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। लेकिन इसके अंदर 1157 चीजों को एक्सक्लूड किया गया था, 1157 आइटम्स वर एक्सक्लूडेड, जो इंक्लूडेड नहीं थे उसमें। बहुत सारी चीजें थी, ज्वेलरीज वगैरह, पर ये दोनों ने जो किया ना उसमें मैक्सिमम चीजों को इंक्लूड किया है। 96% आइटम्स को इन्होंने इंक्लूड किया है और बाकी पे थोड़े बहुत कस्टम है जो आने वाले टाइम में खत्म ही कर दिया जाएगा। तो इट इज अ वेरी गुड स्टेप फ्रॉम बोथ द कंट्री साइड, दैट आई कैन से। ओके, एनीवे, किसी को कोई दिक्कत हो परेशानी, ये तो आज मैं तुम लोगों से पूछी ही नहीं यार, किसी को कोई दिक्कत हो परेशानी, एवरीथिंग ओके, आगे बढ़ा जाए। तुम लोग मुझसे भी पूछो, मैम आपको कोई दिक्कत हो परेशानी, हो सकता है मुझे कोई दिक्कत दुख परेशानी हो, भले तुम लोग ना हो, है ना। चलो ठीक है, मुझे उम्मीद है तुम लोगों को भी कोई दिक्कत दुख परेशानी नहीं है, बिल्कुल मेरी तरफ, ठीक है। तो देख लो भाई यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों को याद रखने होंगे। एफटीए क्या होता है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, याद रखे रहना। एफटीए आप लोगों का एक अरेंजमेंट होता है दो कंट्रीज के बीच में, जिससे कि कस्टम टैरिफ को खत्म किया जाता है। क्या इंडिया का किसी के साथ एफटीए, इंडिया ने अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था, तमाम आशियान कंट्रीज हैं जिनके साथ ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। चलो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, यहाँ तुम्हारे सामने सारी चीजें लिखी हुई हैं, मैंने लगा दी थी, आप लोग देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएंगी सारी चीजें जब आप लोग इसे पढ़ोगे, बाकी मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करती हूँ इंडिया और यूएई के रिलेशन की, तो इंडिया जो है ये यूएई के साथ में मतलब बहुत ज्यादा ट्रेड करता है और यूएई हमारे देश का थर्ड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है, ये भी याद रखिएगा। अपने देश की अगर हम बात कर लें, अपने देश को तो भूल ही गए,
ठीक है, तो अपने देश में सबसे आगे कौन होता है? यूएसए। चाइना कह रहा है यूएसए, झूठ बोल रहा है, हम सबसे आगे हैं, चाइना अलग ही हम लोगों से ऑब्सेस्ड हो गया है। यूएसए के बाद है चाइना, और चाइना के बाद कौन है बच्चों? इसराइल, सॉरी यूएई। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है हमारी कंट्री का। यूएई के साथ में भी बहुत सारी अभी हमने अग्रीमेंट साइन किए हैं, प्लस हमारी भी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि भैया आप लोगों को अगर जॉइंट वेंचर्स वगैरह खोलने हैं तो आप कोशिश करो कि या तो आप यूएई वाली कंपनीज के साथ खोलो या फिर ऑस्ट्रेलिया वालों के साथ खोलो, इससे आप लोगों को बहुत मदद मिलने वाली है। यूएई के साथ हमने सेपा कर रखा है और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने एफटीए कर रखा है, तो इसलिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि भाई करना है तो ऐसा कुछ करो जिससे आप लोगों को मदद मिले और आप लोगों को फायदा हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन। इससे पहले ये भी याद रखिएगा कि इसराइल हमारे देश का तीसरा बहुत बड़ा डिफेंस सप्लायर है, और इसराइल के लिए हम लोग क्या है? इसराइल के लिए हम लोग सबसे बड़े इंपोर्टेंट है डिफेंस के। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। ओके, एक बात बताओ, तुम लोगों को ये सही तो लग रहा है पैटर्न जैसे एक्सप्लेन किया जा रहा है, जो चीजें बताई जा रही हैं, ऐसा तो नहीं है तुम लोगों को लग रहा है कि हाँ कुछ हम लोगों को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए? अगर ऐसा कुछ भी फील हो रहा है तो बताओ, उस पर भी अपन लोग नेक्स्ट टाइम से वर्क करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज हुई है भाई, आज मैं बहुत टाइम के बाद बोर्ड पर आ रही थी ना, तो मैं जब आ रही थी तो बहुत मुझे नर्वसनेस सा हो रहा था, लग रहा था कि यार कैसे होगा, और अभी तो स्टूडियो में भी नहीं है, कोई मैनेज करेगा, बट ठीक है सब हो गया, टेक्निकल टीम एंड ऑब्वियसली माय हस्बैंड, एवरीवन वाज इनटू इट, किसी तरह से सब हो गया, थोड़ी बहुत जो एरर है उसको अपन लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो खैर, तो अब हम बात करते हैं किसकी? जन औषधि केंद्र की। जन औषधि केंद्र क्या होती है? बहुत बड़ी चीज है और ये बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है, जन औषधि केंद्र, अगर आप लोग ध्यान दो अपने वहां पर, जो ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ये काफी अच्छा परफॉर्म करती है। ठीक है, जैसे हम लोग अगर देखें कि जब पैंडेमिक का भी टाइम था तो कितनी सारी कंट्रीज थी जो हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट थी कि हम लोग उन्हें एचसीक्यू सप्लाई करें या बाकी भी मेडिसिन सप्लाई करें, बहुत सारी सभी की डिपेंडेंसी हम पर थी। ओके, अब आप लोगों को क्या बात यहाँ पर याद रखनी होगी कि इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है ये विश्व में तीसरा सबसे बड़ा माना जाता है एज पर द रिकॉर्ड्स, कि इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर तीसरे सबसे बड़े में से आता है। ओके, और मैं आपको क्यों ये सब बता रही हूँ, क्योंकि हमारा जो जन औषधि केंद्र है ये धीमे धीमे मूव करते हुए इस समय बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर चुका है। एक ऐसा समय था जब जन औषधि केंद्र से मुश्किल से 8 से 9 करोड़ की बिक्री होती थी, आज ऐसा समय है कि एक महीने के अंदर 100 करोड़ को इन्होंने पार कर लिया है। तो चलो थोड़ी बातें करें, जैसे आप देख सकते हो कि जो जन औषधि केंद्र है इन्होंने अभी अभी एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, और बताया गया है कि ये 100 करोड़ रेवेन्यू को एक महीने के अंदर ही सरपास कर गए हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जन औषधि केंद्र क्या होते हैं और इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है। तो देखो, अपने वहां पर एक कह सकते हो आप लोग कैंपेन लॉन्च किया गया था, कैंपेन का क्या नाम था? कैंपेन का नाम था पीएम जन औषधि परियोजना, मैं यहां लिख देती हूँ। ठीक है, पीएम जन औषधि परियोजना, ठीक है, ये आपकी कैंपेन थी। इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था 2008 के लगभग, उसके बाद से इसी को रिवैम्प किया गया कुछ टाइम के बाद, इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कर दिया गया, जिसे अभी आप लोग कभी कभी देखोगे, सॉरी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इस नाम से आप देखोगे। ठीक है, तो इस परियोजना को लॉन्च किया गया, इसमें काफी कुछ इंप्रूवमेंट की गई। ठीक है, होता क्या है, इसके अंदर जन औषधि होती है, जन औषधि का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर जो आपकी जेनेरिक मेडिसिन वगैरह होती हैं वो कंपैरेटिवली बहुत ही कम दाम पर मिलती हैं, तो जो आपको मार्केट में बहुत महंगी मिलती है ये यहाँ पर आपको बहुत ही सस्ती मिलती है। कुछ टॉप ब्रांडेड ऐसी कंपनीज हैं जिनकी दवाइयाँ आपको यहाँ 50% से भी कम मिल जाएगी, तो आप लोग कह सकते हो कि उनकी जो दवाइयाँ होती हैं ये हमें लेस देन 50% पर अवेलेबल होती हैं, और बाकी कुछ ब्रांड्स ऐसी होते हैं जिनकी दवाइयाँ 80 से 90% कम होती है। ठीक है, तो इतना ज्यादा रेट डिफर करता है जन औषधि केंद्र पर। सरकार चाहती थी कि जन औषधि केंद्र हम लोग आने वाले समय में बहुत सारे बनाए, सरकार का फिलहाल में ये एम है कि जब हम लोगों के वहां जनवरी 2025 तो इस समय तक हम लोगों के वहां पर लगभग 10,000, ठीक है 10,500 ओवरऑल काउंट है, 10,500 जन औषधि केंद्र बन करके तैयार हो जाए।
ठीक है, इससे बहुत लोगों को फायदा होगा। जो लोग नहीं ऐसी कंडीशन में है कि बहुत महंगी महंगी दवाइयां अफोर्ड कर सके, वो लोग चाहें तो यहाँ से आराम से सस्ते दरों पर भी दवाइयां खरीद सकते हैं। तो ये उन्हें फायदा होने वाला है जनऔषधि केंद्र से। ठीक है, इसी के अंदर जनऔषधि केंद्र बनाए जाते हैं। तो अब जरा आप यहाँ पर हिस्ट्री पढ़िएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखो, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अभी हाल फिलहाल में जनऔषधि आउटलेट जो है ये अब ओवरऑल काफी अपना स्कोप बढ़ा चुकी है। एक टाइम था जब 800, 900, 1400 जेनेरिक मेडिसिन देती थी, पर फिलहाल के टाइम पे 1600 जेनेरिक मेडिसिन, 250 सर्जिकल डिवाइसेस, आयुष प्रोडक्ट, सुविधा सैनिटरी पैड्स, ये सब कुछ ऑफर करती है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया PMBI, ये इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होती है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंदर। ठीक है, इसके अलावा ये भी बताया गया है कि पिछले 8 सालों में अगर हम देखें तो जो एनुअल टर्नओवर हुआ करता था इनका, ये 8 करोड़ का था। ठीक है, कब? 2014-15 में। लेकिन धीमे धीमे पिछले सालों में हमने ये देखा है कि इनका जो भी ओवरऑल टर्नओवर रहा है वो बहुत ही तेजी से बढ़ा है। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हो PMBI का, ठीक है, जो अभी बताया गया है हाईएस्ट मंथली सेल्स टर्नओवर 100 करोड़ का देखने को मिला है। कब? मई महीने में, 2022 के मई महीने में अभी तक का इनका हाईएस्ट टर्नओवर देखने को मिला है, जो आप यहां पर देख सकते हो। मई 2021 में भी अगर हम कंपेयर करें तो ठीक ठाक सेल थी, कम नहीं थी, लेकिन इस साल तो बहुत ही अच्छी देखने को मिली है। इसके बहुत सारे रीजंस भी हैं। पहले तो नंबर ऑफ केंद्र बढ़ना, दूसरी बात यह है कि अपने वहां पर ड्रग्स, इक्विपमेंट्स, नए नए प्रोडक्ट्स को लाना, तीसरी बात ये भी है लोगों में अवेयरनेस, जैसे कि इनके कैंपेन चलते हैं, इनकी अवेयरनेस कैंपेन होगी, अलग अलग परियोजनाएं आएंगी ताकि लोगों को बताया जा सके। जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा वैसे वैसे लोग थोड़े और ज्यादा इनकी तरफ बढ़ाव, कह सकते हो आप लोग, झुकाव होगा और ज्यादा से ज्यादा चीजों को खरीदेंगे। तो फिलहाल में हम देख सकते हैं कि इनका जो टर्नओवर था ये 100 करोड़ का था। कब? मई के महीने में। ओके, एनीवे, अब जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सरकार ऐसा चाहती है 10,000 तक कंप्लीट कर ले मार्च 2024 तक, और 10,500 तक कर ले मार्च 2025 तक। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को एक दो और बातें याद रखनी होंगी कि फिलहाल में कितने प्रेजेंट हैं, 8735 ऐसे स्टोर्स हमारे देश में हैं 739 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, फिलहाल में इतने स्टोर्स हैं अपने देश में। ओके, अच्छा, एक और बात सभी ध्यान रखे रहो इतनी बातें की कि इस बार हमारे देश में फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर सेक्टर को 86,200 करोड़ दिया गया है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहती हूं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर सेक्टर, एंड हेल्थ केयर सेक्टर इसका जो एलोकेशन किया गया है ये कितना किया गया, ये किया गया है 86,200 करोड़ का। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने होंगे। कोई ऐसा जिसे तकलीफ हो गई है, कुछ बुरा लगा है, एवरीथिंग ओके, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है सेशन में आप लोगों को? लेफ्ट साइड कट जा रहा है, सेंटर में नहीं है। ठीक है, ठीक है, वो हम लोग अपन लोग कवर कर लेंगे कल के सेशन से, वो आपका पूरा पूरा कवर रहेगा। ठीक है, कल से बोर्ड का कलर व्हाइट मत रखना, तुम लोगों की जो भी दिक्कतें हैं ना वो नीचे कमेंट में आप सभी लोग लिख देना। ठीक है, उसको हम लोग कल से पूरा कर लेंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को कल के सेशन से, ये मेरे एंड से आप लोगों का गारंटी है। ठीक है, खैर एक बात मुझे बताइएगा आप लोग कि इस बार जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर को कितना एलोकेशन किया गया था इस साल के बजट में? हाँ, इस साल के बजट में हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री को कितना एलोकेट किया गया था, कोई भी ऐसा जिसे याद हो? नहीं बताओगे? ओके, कोशिश करोगे बताओ। खैर हम लोग चलते हैं और अपनी अगली खबर को देखते हैं। ओके, मैं सच में बहुत साल के बाद थोड़ी सी नर्वस फील कर रही हूँ आज, इसके पहले नहीं इतना नर्वस फील की थी, आज थोड़ी सी नर्वसनेस फील हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि मैं बोर्ड पर आ रही हूँ। चलो ठीक है, देखो भाई अब आ गया अपना पुराना दोस्त GST। GST मतलब एक ऐसी चीज है जो हमेशा हम लोगों को हर महीने मिलता है, क्योंकि GST की रेवेन्यू की डिस्कशन होती है। ठीक है, तो जो GST की रेवेन्यू इस साल की है ये कितनी है, ये आप देख सकते हो, सॉरी इस महीने की, पिछले महीने की 44% तक बढ़ गई है। ओके, और कितने पे आ चुकी है, 1.41 लाख करोड़ मई महीने में है ये। ठीक है, GST में आपने, मैंने आपको बहुत बार बताया है, यू द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है,
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। तो पहले अपने देश में जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, तमाम तरीके के वैल्यू एडेड टैक्सेस वगैरह, तमाम ऐसे टैक्सेस थे, ठीक है। लेकिन बाद में उन सबको सब्ज्यूम कर दिया गया और एक अम्ब्रेला टैक्स लॉन्च कर दिया गया जिसका नाम था जीएसटी। तो आप कह सकते हो ये एक तरीके का हमारे वहां पर अम्ब्रेला टैक्स है जो कि सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम कर लेता है अपने अंदर। इसको लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2017 को। कब लॉन्च किया गया था? 1 जुलाई 2017। खास बात इसकी क्या थी कि हमारे वहां पर जो जीएसटी है ये ड्यूअल मॉडल जीएसटी होता है। कौन सा मॉडल होता है? ड्यूअल मॉडल। और ये जो ड्यूअल मॉडल जीएसटी होता है ये हमने कहां से लिया था? ये हमने लिया था कनाडा से। ड्यूअल मॉडल का मतलब है कि जब भी जीएसटी बटेगा या डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो ये सेंट्रल और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट में किया जाएगा, दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए। यानी कि पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस सेंट्रल द्वारा लिए जाते थे वो वही कलेक्ट करेगी, जो स्टेट द्वारा लिए जाते थे वो वही कलेक्ट करेगा। ये पॉइंट आप लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोगों को और क्या याद रखना चाहिए? तो देखो अभी जो हाल फिलहाल का सिनेरियो है वो अपन लोग देखते हैं। देखो भाई, हाँ, अब जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि जीएसटी रेवेन्यू मई महीने के लिए 1.41 लाख करोड़ का है। ओवरऑल एक 44% का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है अगर हम लोग इसी महीने को पिछले साल से कंपेयर करें तो ये 44% तक बढ़ गया है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो आपका कलेक्शन था अप्रैल का पिछले महीने का वो अभी तक का हाईएस्ट था। कितना था? 1.68 लाख करोड़ का था। लेकिन फिलहाल में इस महीने में वो कुछ कम है, लेकिन अभी भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो पिछले साल में जो इस महीने में था उससे काफी ज्यादा है अभी भी, ठीक है। तो ये आप लोग जरा याद रखिएगा, जो रेवेन्यू है मंथ ऑफ मई का इसको अगर हम देखें तो 44% हायर जीएसटी पे है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं पिछले साल तो ये पिछले साल इस महीने में 97,821 करोड़ था। इतना लो होने का रीजन ये भी था क्योंकि पिछले साल इस समय तक डेल्टा वेरिएंट आया था जिसकी वजह से सब कुछ बिल्कुल ठप पड़ गया था, ठीक है। तो ये आपकी जीएसटी की खबर हो गई, आप लोगों को ये पॉइंट्स याद रखने होंगे। मैं क्यों अभी बहुत डीप में आपके साथ जीएसटी में नहीं जा रही हूँ? क्योंकि अभी फिर एक जीएसटी की खबर है जिसमें हमें जीएसटी बहुत कुछ करना है, ठीक है। तो फिलहाल में आप लोग ये बात याद रखे रहो, एक या दो न्यूज के बाद फिर हमें जीएसटी ही मिलेगा, ओके। चलो क्या, तो अपन लोग अभी नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। देख लो ये आसान सी खबर है, हुआ क्या आपने वहां पर अभी अभी कि जो SBI के फॉर्मर MD थे यानी कि अश्विनी भाटिया जी, इन्हें अभी अभी होल टाइम मेंबर बनाया गया है सेबी में, ठीक है। सेबी क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सेबी के अंदर अभी अभी इन्हें होल टाइम मेंबर बना दिया गया है, ओके। सेबी के जो आपके टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स होते हैं ये होते हैं 9, ठीक है। फिलहाल में सेबी की अगर हम बात करें तो इनकी जो चेयरमैन है ये है माधवी पूरी बज, और पहली बार एक महिला को यहाँ पे चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि पहली बार एक महिला को अपॉइंट किया गया था यहाँ का चेयरमैन, इन्होंने रिप्लेस किया था अजय त्यागी जी को, ठीक है। सेबी का काम क्या होता है बच्चों? सेबी का काम होता है जितना भी हमारे वहां पे कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो भी कुछ है, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटी मार्केट, इन सभी को रेगुलेट करने का काम होता है। तो आप लोग कह सकते हो सेबी इज देयर टू रेगुलेट द एंटायर कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया, ठीक है। हेड ऑफिस इनका मुंबई के अंदर होता है, चीफ है माधवी पूरी बज, टोटल बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं 9। सेबी का एक्ट होता है 1992 का, जबकि सेबी की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1998 में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। फिलहाल में इसी सेबी के अंदर अश्विनी भाटिया जो कि पहले MD हुआ करते थे SBI के, इनको चार्ज दिया गया है होल टाइम मेंबर का। अभी यहाँ पे होल टाइम मेंबर की तरह से वर्क करेंगे, ठीक है। जरा नेक्स्ट देखो, हाँ, तो जैसे भी हम देख सकते हैं कि इन्होंने इनको चुना है। अब यहाँ पे आप लोग एक और भी चीज देख लीजिएगा कि क्यों चुना गया है। पिछले 7 महीनों से जो रेगुलेटर है ये ऑपरेट किया है सिर्फ और सिर्फ 2 होल टाइम मेंबर्स के साथ में, SK मोहंती और अनंत बरुआ के साथ में। फिलहाल में अगर हम देखें तो जो टेन्योर है माधवी पूरी बच और जी महालिंगम का WTM, ठीक है, होल टाइम मेंबर्स की बात अगर हम करें तो ये एंड हो रहा है इस साल में। पोजिशन 2 होल टाइम मेंबर्स की वैकेंट थी सेबी के अंदर, इस वजह से माधवी पूरी बच को क्या किया गया था? अपॉइंट कर दिया गया था चीफ, तो इस वजह से अभी अभी इनको अपॉइंट कर लिया गया है। द गवर्नमेंट इज येट टू अपॉइंट द 4th मेंबर। 2 मेंबर्स तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं, ठीक है, मोहंती साहब और आनंद बरुआ, ये तो ऑलरेडी हैं। माधवी पूरी बच तो अब अपनी पोस्ट छोड़ ही देंगी, ये तो आएंगे नहीं। जी महालिंगम, इनका भी पोस्ट ओवर हो रहा है, ये चूंकि जा चुकी हैं, आपकी चेयरमैन बन चुकी हैं, तो ये तो यहाँ नहीं आएंगी। अब यहाँ पे एक लोगों को चुना गया अश्विनी भाटिया, चौथा जो भी मेंबर होगा उसको बाद में नोटिफाई किया जाएगा कि वो कौन आ रहा है, ठीक है।
तो फिलहाल मैं आप लोगों को इतनी बातें याद रखनी होंगी जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब थोड़ी हम लोग और बातें कर लेते हैं। ये भाटिया जी के बारे में तुम्हारा मन होगा पढ़ लेना, नहीं मन होगा मत पढ़ना, कभी उनके बारे में पूछेगा नहीं, लेकिन अगर आपकी रुचि है भाटिया जी में तो पूछ सकता है, ठीक है। देखो भाई, अभी हाल फिलहाल की जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको अपन लोग डिस्कस कर लें एक बारी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, राजेश गेरा जी को अपॉइंट किया गया था डायरेक्टर जनरल नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर का, ठीक है। तो जो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है यहाँ पे किसको, राजेश गेरा, इन्हें अपॉइंट किया गया है, ठीक है। ये आप लोग याद रखे रहो। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? अच्छा, तुम लोगों को अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो यार एक एक बार लाइक भी कर दो, क्योंकि तुम लोगों की लाइक्स बहुत ही कम है सेशन में अभी तक। अगला देखो, टोक्यो की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन, इन्हें इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट कमिटी चेयरमैन। इंडियन ऑफिसर अनवर हुसैन जी को नया अध्यक्ष बनाया गया है WTO कमिटी का, और 10 साल के बाद इन्हें बनाया गया है, ठीक है। किस पे बनाया गया था? TBT के लिए बनाया गया था। JSW1 प्लेटफॉर्म ने अपॉइंट किया है गौरव सचदेवा को अपने वहां पर CEO। खादी कमीशन के जो चीफ हैं आपके विनय कुमार सक्सेना जी, ये अभी दिल्ली के नए LG बने हैं। किसकी जगह पर बने हैं बच्चों? अनिल बैजल जी की जगह। उन लोगों में दोस्ती नहीं रह गई थी, बहुत दुश्मनी हो गई थी। खैर, विजय शेखर शर्मा जी को रीअपॉइंट किया गया है MD CEO पेटीएम का, ठीक है। इंडिगो ने अपॉइंट किया है पीटर एल्बर्ट्स को CEO। किसको रिप्लेस किया है इन्होंने? रिप्लेस मिस्टर रोनोजॉय दत्ता। ओके, ही रिप्लेस मिस्टर रोनोजॉय दत्ता। ओके, देन क्या याद रखो आप लोग, BSE ने अभी बताया कि एक्स RBI डिप्टी गवर्नर मिस्टर SS मुंद्रा, ये यहाँ के चेयरमैन बनाए जाएंगे, ठीक है। किसकी बात हो रही है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है। नेक्स्ट, सुनील अरोरा जो कि हमारे वहां पे रह चुके चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है ग्राम उन्नति का, ठीक है। और SK सुब्रमण्यम जी को LNT ने वापस अपने, सॉरी, अब LNT ने अपने वहां पर अभी MD CEO बनाया है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने होंगे, ठीक है। नितिन चिब्बर CBSE, वेरी गुड। अच्छा, UPSC की चेयरमैन कौन है? क्योंकि अभी UPSC का रिजल्ट आया है, बड़ा हाईलाइटेड है, तो ये बताओ, हु इज द करेंट चेयरपर्सन ऑफ UPSC? एनीवन हु कैन आंसर? मैं बहुत स्पीड से जा रही हूँ, अगर मेरी स्पीड नहीं रहेगी ना तो तुम समझ जाओ कि मैं पता नहीं कितने आज क्वेश्चंस बता पाऊंगी, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। अच्छा, अभी जो मेरे फेस पर लाइट है वो भी थोड़ी कम है, थोड़ा सा बोर्ड का अभी एडजस्टमेंट का हल्का सा प्रॉब्लम है, अपन लोगों से बिल्कुल कल से सही कर लेंगे। नई लाइट भी आ रही है और कल से जो भी एडजस्टमेंट है ना वो भी बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। सो डोंट वरी फॉर दैट। तुम लोग डर तो नहीं रहो मुझे देख देख कर? चलो अब हम लोग जरा अपनी अगली खबर पे चलते हैं। आज भैया एकदम बवाल है, बहुत अच्छी अच्छी खबर है हमारे पास। देखो भाई, तेलंगाना ने अभी अभी अपना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया है। किसने किया है? तेलंगाना ने किया है। ओके, और तेलंगाना देखो ओवरऑल इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी ना, ये कब की गई थी? ये की गई थी 2nd of June 2014 को, ठीक है। 2nd of June 2014 को किया गया था। जब ये बना है, अभी आप लोग कह सकते हो कि न्यूएस्ट स्टेट है अपने वहां का। जब ये बना था तो ये हमारे वहां का 29th स्टेट था, लेकिन फिलहाल में ये 28th है, बिकॉज जम्मू और कश्मीर को क्या बना दिया गया? इसको बना दिया गया आप लोगों के वहां पर यूनियन टेरिटरी। तो फिलहाल में ये आपका 28th स्टेट है, ठीक है। फॉर्मेशन 2nd of June 2014 को हुई थी, ठीक है। केसी राव ने कह दिया था ना हम खाएंगे ना हम पिएंगे, जो करना है करो, बहुत सारा बवाला हुआ था, तब जाकर के ये सारा फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। देखो भाई, जरा इनके आसपास के जो आपके स्टेट्स हैं उसे भी एक बार देख लेते हैं, फिर फॉर्मेशन पे हम लोग थोड़ी और बातें करते हैं, ओके। यहाँ देखो, क्वेश्चन यहाँ से आपसे फिर पूछे जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पे देखो, इस साइड में इनको महाराष्ट्र सराउंड कर रहा है, इधर आपको छत्तीसगढ़ दिख रहा है, ये आपका आंध्र प्रदेश दिख रहा है, फिर इधर आप लोगों का कर्नाटका दिख रहा है, इधर आपका गुजरात हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनके सराउंडिंग पूरे के पूरे क्या हैं? सराउंडिंग इनके स्टेट्स हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि इनके नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में कौन कौन से स्टेट्स हैं, वो आप लोगों को याद रखना होगा, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे एग्जाम में। मतलब ऐसा है कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इस बार स्पेसिफिकली इनका डे मनाया गया है। अभी तक ऐसा डे नहीं ये लोग किए थे, लेकिन इस बार इन लोगों ने स्पेसिफिकली ये डे भी मना लिया है, ठीक है। चलो अब जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग थोड़ी हम बात कर लें
तेलंगाना की, कि तेलंगाना का एग्जैक्टली क्या बवाला था, कैसे बना था। देखो मैंने आपको एक बार बहुत बारी बताई है कि अपने देश में तमाम ऐसे स्टेट्स हैं जो कि लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा के आधार पर दूसरे स्टेट से अलग किए गए हैं। ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं, केवल एक नहीं, बहुत सारे हैं। जैसे आप लोग कह सकते हो पंजाब, हरियाणा, ठीक है, फिर अपना ये हो गया और आंध्र प्रदेश मद्रास से अलग किया गया था, तेलंगाना आंध्र से अलग हुआ, लेकिन तेलंगाना और आंध्र का भाषा के आधार पर नहीं था, दूसरा ही सब मसला था। और बातें हम समझते हैं थोड़ी क्या हुई थी पूरी बात। देखो हाँ, तो देखो भाई सभी लोग एक दो बातों को, कि जब आपका जो है 1953 था, अप्रोक्स 1953 में आंध्र प्रदेश को मद्रास से बाइफकेट किया गया था, पहली बार ऐसा हुआ था कि एक स्टेट दूसरे स्टेट से भाषा के आधार पर अलग किया गया, ये सबसे पहली बार देखने को मिला था। फिर 1956 में आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को एक कर दिया गया, ठीक है, तेलंगाना को भी यहाँ मद्रास से अलग किया गया था, इनको एक कर दिया गया। अब इनको एक किया गया तो ये एक स्टेट की तरह थे, क्यों किया गया, क्योंकि तेलुगु रीजन था, तेलुगु स्पीकिंग रीजन, इसलिए इन दोनों को एक कर दिया गया। अब ये दोनों सब एक साथ थे, लेकिन जो भी तेलंगाना कम्युनिटी या आप लोग कह सकते हो जो लोग इधर से आए थे, उनका ये मानना था कि आंध्र प्रदेश में कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी है, ये लोग इक्वल नहीं है दोनों लोगों के लिए। इनका ये मानना था कि ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज इनके लिए हैं, सब कुछ अच्छा इनके लिए किया जा रहा है, इन लोगों को किनारे बेकार के लिए छोड़ा जा रहा है। इसकी वजह से तमाम तरीके की मूवमेंट्स हुई, बहुत सारा चला, फिर लास्ट में तो यही हो गया था, अनशन पे बैठ गए थे, कई लोगों ने सुसाइड तक कर लिया था इस चक्कर में। सब कुछ देखते हुए कांग्रेस की एक कमेटी बनाई गई थी 2013 में, उन्होंने कहा कि भाई बहुत जरूरी है कि आप इन्हें अलग ही कर दो। सब कुछ देखते हुए सेकेंड ऑफ जून 2014 को इन्हें अलग कर दिया गया, और अब फिलहाल में ये हमारे वहां का एक अलग स्टेट हुआ। जब सेकेंड ऑफ जून 2014 को अलग किया गया था तो इसमें टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, ठीक है, और हैदराबाद को कहा गया था कि ये कॉमन कैपिटल होगा आंध्र प्रदेश का भी, हैदराबाद का सॉरी तेलंगाना का भी, लेकिन आफ्टर सम टाइम जो हैदराबाद है ये सिर्फ और सिर्फ आपका तेलंगाना का रह जाएगा। तो हमने देखा अभी आंध्र प्रदेश ने फिलहाल में 3 अलग अलग कैपिटल्स डिसाइड कर रखे हैं जो कि लेकर के आएगा, ठीक है। तो ऐसी बातें बताई गई कि ये सब करा जाएगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बन गया क्या, तेलंगाना। अब तेलंगाना बनकर क्या आ गया, थोड़ी हम लोग डिस्कशन कर लें तेलंगाना पे। तेलंगाना में ओवरऑल कितने आपके सीट्स होती हैं, ये तो हम लोग हमेशा ही डिस्कस करते रहते हैं। निज़ाम फ्रॉम हैदराबाद, हाँ वो सब तो अपना अलग ही चलता रहता था, निज़ाम वगैरह। खैर चलो बच्चों, हम लोग अगर थोड़ी सी तेलंगाना की बात कर लें तो जैसा हम सभी को पता है कि जो तेलंगाना स्टेट है यहाँ के आपके सीएम कौन होते हैं, सीएम तो भाई हम लोगों को पता ही है केसी राव होते हैं, ठीक है। थोड़ी और बातें कर लें, यहाँ के गवर्नर कौन है, तमिलसाई सुंदरराजन, वो भी हमें पता है, ठीक है। असेंबली की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये बाइकैमरल असेंबली है, क्या है, बाइकैमरल। बाइकैमरल का सीधा मतलब क्या होता है बच्चों, बाइकैमरल का मतलब होता है कि यहाँ पर आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों ही यहां पर होती हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कितनी सीट्स होती है, 119, ठीक है, और यहां कितनी होती है, 40 होती है। ये आप लोग याद रखे रहिएगा, बहुत कम ऐसे स्टेट्स हैं, ओवरऑल ऐसे 6 ही स्टेट्स हैं जहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, तेलंगाना उसमें से एक है। जब इसको बनाया गया था तो इसके अपने अलग अलग स्टेट, आपके और एनिमल, बर्ड एंड एवरीथिंग सब डिसाइड किया गया था, उतना नहीं पूछेगा, बस आपको याद होना चाहिए कि क्या था, ठीक है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये एक अलग मुद्दा है जो शायद आप लोगों से पूछ लिया जाए, क्या कोई ऐसा है जो मुझे बता पाए हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन तेलंगाना, एनीवन हु कैन आंसर, नहीं बताओगे, MLC and MLA both 14, 36, 33, 32, that will be 33, okay, so remember this as well, this is again a very very important point for all of us to remember, ठीक है। तो ये सारे points आप लोग याद रखे रहो। अब फिलहाल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इन्होंने क्या किया है, फिलहाल में ऐसा पहली बार हुआ है कि इन्होंने अपने वहां पर फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया है, ठीक है। इस फॉर्मेशन डे में क्या होगा, देखो किसी का बर्थडे होता है तो क्या होता है, उसको विश किया जाता है, मनाया जाता है कि वो उस दिन पैदा हुआ था, तेलंगाना भी पैदा हुआ था यार आज के दिन, तो तेलंगाना को भी विश किया जा रहा है। अब इसका विश जो किया जा रहा है बड़े लेवल पे किया जा रहा है, पूरा पूरा एक बड़ा सा फॉर्मेशन डे मनाया जा रहा है। इसमें आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है इसे करने को, और हमारे मोटा भाई यहाँ के क्या रहेंगे, हमारे मोटा भाई यहाँ के आपके चीफ गेस्ट रहेंगे। तो ये पॉइंट्स आप सभी को ध्यान होने चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देख लीजिएगा भाई,
किसेंटर ने कहा है कि पहली बार जो है इसका हम फॉर्मेशन डे मनाएंगे अभी, और इस बार जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर पे। इस इवेंट को अप्रूव किया गया था नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के द्वारा कि हाँ ऐसा हम लोग कुछ करने वाले हैं इस बार। प्रोग्राम का यही मकसद है कि क्या करेगी, जो भी रूट लैंड ऑफ कल्चर का है इन सबसे लोगों को वाकिफ करेगी, ठीक है। इसके साथ में क्या किया जाएगा, इसके साथ में आपके चीफ गेस्ट आएंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत पे जो है फोकस किया जाएगा, तमाम डांसेस वगैरह होंगे जो परफॉर्म किए जाएंगे, ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि जो तेलंगाना होता है इसका हैदराबाद, हैदराबाद हमारे देश का सबसे पहला ट्री सिटी बना था, ठीक है। इसके साथ में हैदराबाद को यूएन क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंदर भी रखा गया है। किसके अंदर, यूएन क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। किस लिए रखा गया है, गैस्ट्रोनॉमी के लिए, ठीक है, ये खाने के लिए बहुत फेमस है, उसके लिए इन्हें रखा गया है। तो ये आपका हैदराबाद है। हैदराबाद की जो मेन रिवर होती है इसका नाम होता है मूसी। मूसी रिवर ऐसी होती है जो हैदराबाद को ओल्ड और न्यू हैदराबाद में क्या करती है, डिवाइड करती है। तो ये पॉइंट्स आप सभी ध्यान रखे रहो, इंपॉर्टेंट हैं, सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से बहुत सारे, ओके। एनीवे चलो अब हम लोग अपनी अगली खबर पे चलते हैं जो हमें देखनी है आज, ओके। देखो भाई एनटीपीसी बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या अच्छा काम कर रहा है, एनटीपीसी ने कहा है कि हम अपनी एक पॉलिसी शुरू करेंगे। क्या करेंगे, हम अपनी एक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। काहे की पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, बेसिकली ये लोग जो अपनी पॉलिसी ला रहे हैं ना, ये ले आ रहे हैं अपने वहां पर, आप लोग कह सकते हो किसके लिए, या इसे आप लोग कह सकते हो बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो बायोडाइवर्सिटी यानी कि तमाम तरीके की जीव जंतु एक जगह को, मतलब साथ में कह सकते हो आप लोग सस्टेनेबली लेकर के चल रहे हो, ओके। तो ये जो पूरी बायोडाइवर्सिटी इसे कंजर्व रखने के लिए ये एक अपनी पॉलिसी लेकर के आएंगे, ओके। देखो तो भारत का सबसे बड़ा पावर जनरेटिंग फॉर्म एनटीपीसी, इन्होंने कहा है कि हम अपने वहां पर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022 ये एस्टैब्लिश करेंगे एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन के साथ। साथ ही साथ में एक गाइडिंग प्रिंसिपल भी रखेंगे कंजर्वेशन, रीस्टोरेशन और एनहांसमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। इसमें इन्होंने कहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी है ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा पार्ट है एनटीपीसी के एनवायरमेंटल पॉलिसी का। तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा है कि हमारा ये मकसद होगा कैसे हम लोग अपने एनवायरमेंटल और सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट को एक साथ अलाइन करके आगे बढ़ सके। प्रोजेक्ट को इसी से डिजाइन किया जा रहा है ताकि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं एनटीपीसी ग्राउंड के, ये एक दूसरे की मदद कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके, जो भी टारगेट इसमें इस फील्ड में इन्होंने सेट किया है। बेसिकली इनका ये मानना है कि आगे आने वाले 2032 तक, कौन से साल तक, 2032 तक ये अपने वहां पर रिन्यूएबल एनर्जी 60 गीगावाट तक क्या करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे। साथ में नेट जीरो एमिशन का भी हमारा वादा है, हमारा कमिटमेंट है। तो इन सबको पूरा करने के लिए इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा है कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं ताकि हम लोग कंजर्व कर सके अपने प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप सभी लोग ध्यान रखे रहो। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल फिलहाल में कौन सी संस्था है जो एक नए बिजनेस को जो अपने वहां पे एक नया पॉलिसी लेकर के आई है, या एनटीपीसी का ऐसा कौन सा टारगेट है जो वो अचीव करना चाहती है 2032 तक, ठीक है, या कितने गीगावाट अचीव करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करती हूँ एनटीपीसी की, सो रिमेम्बर कि एनटीपीसी का हेड ऑफिस कहाँ होता है, न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। और एक और बात याद रखिएगा कि यहाँ के चीफ कौन होते हैं, गुरदीप सिंह जी, ठीक है। गुरदीप सिंह जी जो है वो यहाँ के क्या होते हैं, चीफ होते हैं। आपको याद होना चाहिए कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा सोलर पार्क बनने वाला है ये रन ऑफ कच्छ में बनने वाला है, फिलहाल में राजस्थान में है, आने वाले टाइम में रन ऑफ कच्छ में बनने वाला है, और ये आपका एनटीपीसी ही बनाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। आपको ये भी याद होना चाहिए कुछ दिन पहले एनटीपीसी गुजरात गैस लिमिटेड के साथ में मिल करके क्या की थी, इन्होंने कहा था कि कलिनरी पर्पस के लिए हम लोग हाइड्रोजन को क्या करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन को जो पाइप नेचुरल गैसेस जाते हैं उसमें ब्लेंड करके देना शुरू करेंगे। पहली बार ऐसा होगा कि कलिनरी पर्पस के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा, अभी तक फिलहाल में और कहीं नहीं ऐसा हुआ है, ठीक है। चलो तो ये थोड़ी सी चीजें आप सभी को ध्यान रखनी होंगी। क्या कोई मुझे बता सकता है कि एनटीपीसी का फॉर्मेशन ईयर क्या है, मतलब कि एनटीपीसी जो है इसको कब बनाया गया था, एनीवन हु कैन टेल मी, नहीं बताओगे। देखो द फॉर्मेशन ईयर इज व्हाट, 7 नवंबर 1975, ये भी ध्यान रखे रहना, ओके। चलो भाई बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली खबर की तरफ। एक बात बस तुम लोग बताओ कि एनटीपीसी किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है,
But still try telling me, which of the ministry is handling NTPC? Power ministry, new renewable energy ministry, fertilizer ministry, which ministry is having the charge of handling it? Okay, चलो अगर सब सही है तो एक एक बारी बताते चलो, थम्स अप वम्स अप कुछ दो और मुझे इत्तला करो. हाँ नहीं बताओगे मेरा तकिया कलाम है. इंडीड इट इज पावर मिनिस्ट्री. वेरी गुड. ठीक है, ये आपका पावर मिनिस्ट्री के अंदर आता है. ठीक है चलो हम लोग अपनी अगली खबर पे चलते हैं. तुम लोग शेयर वेयर कर दो यार, बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि अगर हम लोग बोर्ड पे शिफ्ट होते हैं तो कुछ तादाद बढ़ेगी, लेकिन ऐसा देख के लग नहीं रहा. तादाद जैसी की तैसी वही धरी की धरी है. ओके कम ही हो रही है. कुछ तंत्र मंत्र पढ़े क्या बताओ, शायद उससे कुछ हो जाए. इजंट इट देखो भाई, मैंने आपसे कहा था जीएसटी भी दोबारा आएगा तो हम जीएसटी की ज्यादा डिस्कशन करेंगे. अभी क्या हुआ है, जीएसटी कंपनसेशन के अंदर जो केंद्र सरकार है इन्होंने 86,912 करोड़ दिया है. किसको? स्टेट्स को. तो अब जैसे आप देख सकते हो किसकी हम बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार की. केंद्र सरकार ने राज्यों में 86,912 करोड़ का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है जीएसटी कंपनसेशन के अंदर. जीएसटी कंपनसेशन की बात क्यों आ रही है, ऐसा क्या हुआ कि जीएसटी कंपनसेशन की तरह कुछ लाना पड़ा? देखो जब जीएसटी रोल ऑन किया जा रहा था तो कहा जा रहा था जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ये उन सभी को क्या करेगा, सब्ज्यूम करेगा. बेसिकली एक आइडिया था कि अब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेस की तरफ से शिफ्ट करके कंज्यूमर की तरफ बढ़ रहे हैं. ठीक है, तो स्टेट्स का कहना था कि सबसे पहले तो आप हर एक प्रोडक्ट पे मत लगाना. स्टेट की ये बात सुनते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि ठीक है चलो, हम लोग पेट्रोलियम हो गया, अल्कोहल हो गया, इस पे जीएसटी नहीं लगाएंगे, इस पे अपना पुराना हिसाब चलेगा. लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जो कहते कि जो आपका आइडिया है शिफ्ट होने का मैन्युफैक्चरिंग से कंस्ट्रक्शन का, सॉरी कंज्यूमर का, ये भी थोड़ा पुअर है. क्यों? क्योंकि मान लो कोई सामान है जो बना है दिल्ली में और उसका कंज्यूमर उसे ऑर्डर किया है तमिलनाडु में, तो ये टैक्स किधर जा रहा है, तमिलनाडु की सरकार को जा रहा है, दिल्ली को नहीं. तो इससे नुकसान किसका हो रहा है, जो दिल्ली में है. ठीक है, या अगर मान लो कोई कहीं और बन रहा है, उसका सामान कहीं और कंज्यूम किया जा रहा है, तो फिर उसका भी नुकसान हो रहा है. तो ऐसे तमाम चीजें थी जो कि लाइन आउट की गई. कहा गया कि जीएसटी को अगर सही से नहीं इंप्लीमेंट करते हैं तो उससे हमें बहुत नुकसान होने वाला है. इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या कहा, चलो ठीक है भाई तुम्हारी बात सही है, हम मानते हैं कि हाँ इससे नुकसान जो है हो सकता है. तो सरकार ने कहा कि आपका ऐसा नुकसान ना हो और हम उसकी भरपाई कर सके, इसलिए सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि हम जीएसटी कंपनसेशन सेस रखेंगे. क्या रखेंगे? जीएसटी कंपनसेशन सेस. अब ये सेस लोगों पर ही अप्लाई किया जाएगा. जब इधर से उधर खरीदारी होगी, लोग इस सेस को भरेंगे और इस सेस के जरिए जो भी स्टेट से उनकी भरपाई की जाएगी. इसके साथ में इन्होंने जीएसटी कंपनसेशन फंड भी रखा और जो भरपाई हुई है वो इसी फंड से की गई है. तो फिलहाल में कहा गया है कि जो भी ऐसे देखा जाता था कि अगर ऐसे ये इस पर्टिकुलर टैक्स को हम नहीं लाते तो कितना जो है नुकसान होने से बच सकता था स्टेट्स का. ओवरऑल कैलकुलेशन करके फिर क्या किया गया कि चलो हमने इस सिनेरियो में तो ऐसा है नहीं होता तो क्या होता, तो जो बचता या जो भी शॉर्टफॉल होता है स्टेट्स का उन्हें उतना ट्रांसफर कर दिया गया. ठीक है, तो उतना उतना क्या हुआ, ट्रांसफर कर दिया गया स्टेट्स को. अब थोड़ी और बातें आप लोग याद रखे रहिएगा कि ये ट्रांसफर तो किया जा रहा है. फिलहाल में सरकार ने बोला है कि हमने ओवरऑल 86,000 करोड़ का ट्रांसफरेंस किया है. ठीक है, हर दो महीने पे होना था लेकिन काफी टाइम के बाद हुआ है. रीजन कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा हर चीज का है वो पैंडेमिक है. पैंडेमिक की वजह से सभी कुछ नुकसान में चल रहा था. तो अब सरकार ने कहा है कि फिलहाल में हमने जो है ट्रांसफर कर दिया है, जरा ध्यान दीजिएगा. देखो, अहेड ऑफ द रिजीम ऑफ जीएसटी दैट एंड्स इन जून. ठीक है, जो आपका जीएसटी कंपनसेशन है ये जून में खत्म हो रहा है इस साल. ठीक है, तो क्या कहा गया है कि सरकार ने अपनी तरफ से राज्य को 86,912 करोड़ का ड्यू पे कर दिया है. ठीक है, ये भी कहा गया कि इस प्रोग्राम में जो है ओवरऑल इस कंपनसेशन फंड का जो इस्तेमाल हुआ है उससे केवल और केवल 25,000 करोड़ ही दिया गया है. इसके अलावा जो आपका 61,000 करोड़ एक्स्ट्रा था वो सरकार ने अपने ही पास से दिया है. ठीक है, वो किसी और तरीके से नहीं दिया है. तो वही उन्होंने बताया है क्या, हाँ अब यहाँ पर इन्होंने बताया है क्या कि 86,912 करोड़, 47,617 करोड़ कंपनसेशन ड्यू था जनवरी का, फिर बाकी आपका फरवरी मार्च और बाकी का था जो इन्होंने किया है. अंडर कंपनसेशन रिजीम सेंटर इज मैंडेटेड टू कंपनसेट स्टेट्स टिल जून 30 फॉर एनी लॉस इन रेवेन्यू अंडर जीएसटी. तो जब कंपनसेशन लाया गया था तो उसको कहा ही गया था कि 2022 तक के लिए, अगले 5 सालों के लिए. और ये भी कहा गया था
कि इसके बाद से जो भी डिसीजन होगा पेट्रोलियम और अल्कोहल पे, इसको वापस से कंसिडर किया जाएगा। तो हो सकता है इसके ऊपर भी आप लोगों को कुछ हाल फिलहाल में देखने को मिले, क्योंकि पेट्रोलियम और अल्कोहल पे फिलहाल जीएसटी नहीं लग रहा है, ओल्ड टैक्स रिजीम है। हो सकता है आने वाले टाइम में इसमें कुछ चेंजेस कर दिए जाएं। ठीक है, खैर आप देख सकते हो कि इन्होंने बोरो किया 1.59 ट्रिलियन FY 2022 में, 1.1 ट्रिलियन FY 2021 में, ताकि मार्केट जो है वो बेहतर तरीके से चल सके और उन्हें स्टेट्स को पास कर सके। कंपनसेशन सेस को अब कहा गया है कि कंटिन्यू किया जाएगा 2026 तक, इसको यूज किया जाएगा ताकि जो भी इनकी फंड डेट ऑब्लिगेशन है उसको पूरा किया जा सके। सेंटर ने अज्यूम किया है 14% एनुअल जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ फॉलोइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन जुलाई 2017। तो यार देखो, ऑन पेपर और इन रियलिटी क्या है वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन ऐसा ये बता रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा हमें देखने को मिला है, जो कि एक अच्छा साइन है। ओके, हाँ भाई, चलो, किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी? Why does not applied? Basically क्या होता है, अगर ये अप्लाई किया जाएगा उस पर भी, तो जो भी आपका मतलब कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग से शिफ्ट होकर के कंज्यूमर पे जाने लग जाएगा, जिससे आगे आने वाले टाइम में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जहां पे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, जो भी ये सारी चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं लॉस होगा। ठीक है, बहुत सारी और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से इसे अभी नहीं अप्लाई किया जा रहा है, बट अपकमिंग टाइम में किया जाएगा। ओके, चलो अगला देख लेते हैं। अब देखो, ये हमारी आज की आखिरी खबर है, भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, कहा गया है, हैं ये क्या गया? सॉरी, देख लीजिएगा भाई कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ है इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है 8.7% रहेगी फिनेंशियल ईयर 2022 में। Q4 जो GDP का था ये 4.1% देखने को मिला है। ठीक है, भारत की इकोनॉमी को कहा गया 4.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस जनवरी टू मार्च पीरियड में अपना बढ़ा है। फिनेंशियल ईयर 2022 में सभी सेक्टर, बस ट्रेड, होटल और कम्युनिकेशन को छोड़ दें तो ये सबके सब जो है प्री पेंडेमिक लेवल पर आ चुके थे। लेकिन बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम लोग इसको तो कंसिडर करें ही करें, क्योंकि अगर हम लोग इसे नहीं कंसिडर कर रहे हैं तो फिर किसको ही कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, मेन तो कहीं ना कहीं यही तीन सेक्टर होते हैं हमारे, ट्रेड, होटल और कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो मिनिस्टर ऑफ ट्रेड अभी किसके पास में है? एनीवन हु कैन आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड फिलहाल में किसके पास में है? नहीं बताओगे, बहुत दो कड़ी का सवाल है, लेकिन याद रखिएगा। तो देखो भाई, बस आप लोगों को फिलहाल में ये याद रखना होगा कि जो हमारी नेशनल स्टैट्स ऑफिस है, उन्होंने कहा है कि भाई हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ है वो कुछ कम होगा, लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे संभाल सकते हैं। आपको ये याद रखना होगा कि कितना इन्होंने अपनी तरफ से दिया है, कितना परसेंटेज बताया, 8.7% इन्होंने कहा है। ये भी कहा है कि जो हमारी नॉमिनल GDP थी ये 19.5% तक बढ़ेगी FY 2022 में, कितनी हो जाएगी 236.4 ट्रिलियन तक, ऐसे बोला जा रहा है कि हो सकती है। ग्रॉस वैल्यू एडेड भी हमारी बढ़ी है, 3.9% तक आई है। ये आपसे कुछ पूछा नहीं जाता है, लेकिन सब यहाँ पे लगा दिया गया ताकि आप लोग देख सको कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कितना कितना अभी प्रोजेक्शन किया है, वो भी आप लोगों के सामने यहाँ लिखा हुआ है, तो एक बार सभी लोग देख लो। वर्ल्ड बैंक की जो आपकी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है 2022-23 के लिए 4.1%, 3.2%, ये आपकी ग्लोबल लेवल की बात हो रही है। IMF की हम बात करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 3.6%, 3.6%। UNWSP ने कितना दिया है, 3.1, 3.1। OECD ने कितना ग्लोबल बताया, 4.4, 3.2। मॉर्गन स्टैनले ने कितना बताया, 2.9, 3.5। ठीक है, S&P रेटिंग 3.6, 3.5, Fitch रेटिंग 3.5 एंड 2.8। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, कितना कितना बढ़ेगा। ठीक है, GDP तो अपन लोग करते रहते हैं, लेकिन आई थिंक सो इट इज टाइम टू शिफ्ट ऑन द ग्लोबल लेवल एज वेल, क्योंकि ये हो सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आपसे पूछी जाए। ठीक है, खैर तो ये हमारी आज के सारे न्यूज थे। अगर आप लोगों को सही लग रहा है सशित तो बताओ, और नहीं तो हम लोग वापस अपने पुराने तरीके से आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता हो कि हाँ सही था, ऐसा हम लोग को कंटिन्यू करना है, तो आप लोग एक एक बार थम्स अप देख के बताना। अगर आपको लगता है नहीं पुराना वाला अच्छा था, तो विल स्विच बैक टू दैट ओनली। ओके, चलो MCQs कर लेते हैं। सही है, मजा आ गया, पक्का? ओके ग्रेट, ठीक है, तो इसे ही कंटिन्यू रखा जाएगा। बस तुम लोग थोड़ा सा शेयर वेयर करो, ठीक है, बिकॉज ऐसे हम लोग की एक्सपेक्टेशंस थी कि अगर हम लोग बोर्ड पे स्विच करते हैं तो शायद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो। ठीक है, तो वो तुम लोग चाहो तो कर सकते हो थोड़ा सा शेयर वेयर करके। ओके, एनीवे चलो अपन लोग देखते हैं आज की MCQs क्या है। सबसे पहला देखो क्या पूछा जा रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो 2971 करोड़ का BDL से परचेज करने वाले हैं कौन सा एयर टू एयर मिसाइल।
अस्त्रमार्क 1, बराकेट 3, सागरिका 3 और हेलिना 2। ओके नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सी वीर क्लास मिसाइल कॉर्वेट है जो कि एक इंटीग्रल पार्ट थी किलर स्क्वाड्रन का, जिसे हीरोइक भी बोला गया था 1971 के वाह में, इसको डिकमीशन किया गया है? आईएनएस निशांक, निशाल, अक्षय या विक्रम? फिर अगला देखो, इनमें से कौन सा एडिशन, नहीं इसे रहने दो, अभी नहीं देखना, इसे कल देखेंगे। इनमें से कौन सा रेगुलेटर है जिन्होंने अश्विनी भाटिया, जो कि पूर्व रह चुके आपके एमडी रहे हैं एसबीआई में, उन्हें ऑल टाइम मेंबर अपॉइंट किया है? ऑप्शन देखो, सेबी, आरबीआई, सिडबी और नाबार्ड। नेक्स्ट देखो, ये तो हुई गया, इजंट इट? हाँ, द स्टेट ऑफ तेलंगाना ये कौन से साल बनाया गया था? ऑप्शन देखिएगा सभी लोग, 2012, 2016, 2014 और 2020। जब आप लोग आंसर कर रहे हो तो कोशिश करना कि डेट भी लिखो, जैसे आप लोग ईयर तो लिखोगे हाँ इस ईयर में बनाया गया था, लेकिन किस डेट को आया था उसको भी मेंशन करना साइमल्टेनियसली। ओके, कौन सा इसमें से पहला ऐसा पीएसयू है जो कि बायोडायवर्सिटी पॉलिसी अपने वहां पर लेकर के आया 2018 की, अब लागू कर रहा है, उसे इश्यू कर रहा है? ओएनजीसी, एनटीपीसी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इनमें से इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी बताई गई है एनएसओ के द्वारा 2022 फाइनेंशियल ईयर की? 8.7%, 6.4%, 7.2% और 4.1%। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को बतानी होंगी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को एक एक बारी लाइक कर देना, और अगर कोई दिक्कत दुख परेशानी हो तो वो भी बताना। अब देखो, एक बच्चा बोल रहा है मैम बोर्ड से अच्छा पहले वाला ही था, देखा मुझे पता था ऐसा कुछ आएगा। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताना यार कैसा लग रहा था। वी हैव आवर टेलीग्राम ग्रुप, आप उस पर भी बता सकते हो। ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप है GACAY सुष्मिता मैम, ठीक है? तो अगर आप लोगों को लगता होगी हाँ सही है यहाँ पे हम लोग इस पर अभी डिस्कशन करते हैं, ठीक है? डेली करंट अफेयर्स आपकी क्लास कब होती है? 10 बजे होती है, जरूर ज्वाइन करना। कोई भी कोर्स आपको अच्छी ऑलिव बोर्ड पे, रिमेंबर टू यूज द कूपन कोड SUSHMITA फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके, कल वाले क्वेश्चंस, एक्चुअली द थिंग इज व्हाट कि जो कल वाला क्वेश्चन है ना हमारा, वो मैं यहाँ पर भी लगा ही नहीं हूँ, वो कल से आपको मिलेगा, ठीक है? सेशन के पहले पहले अपन लोग देख लेंगे फिर स्विच करेंगे, इसलिए मैं आज कल वाला क्वेश्चन लगा ही नहीं हूँ, मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हो गई थी। ओके चलो ठीक है, हो सकता है तुम लोग को धीमे धीमे इस पे आदत हो जाए, बहुत दिनों के बाद तुम लोग बोर्ड पर पढ़ रहे हो या मैं बहुत दिनों के बाद पढ़ा रही हूँ तो हो सकता है, लेकिन धीमे धीमे अपन लोग इस पे आदत करेंगे, क्योंकि जब हम लोग कोई ऐसी न्यूज़ पढ़ेंगे जहाँ पे मैप की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे ये चीज़ हमारा सही रहेगा, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो जाए, ठीक है? अब तुम लोग एक काम कर सकते हो यार, थोड़ा सा सपोर्ट शो कर सकते हो, ओके? खुद पॉजिटिव रहो, मुझे भी पॉजिटिव रखो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हाँ अपन लोग इस पे कुछ दिन रहें, नहीं सही लगता है देन वी विल थिंक ऑफ इट। ओके, एनीवे थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग द सेशन। Have a great day. Take care. Bye-bye. Thank you, people. Love you. Jai Hind, Jai Bharat. God bless you all.